मेरी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अपने पास आया है एक मोबाइल जो चाइनीज ही है, तो इसको ऑन करके देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों ये दिखाने के लिए आज वीडियो बना रहा हूँ आप लिए, तो आप देखते रहिए। तो इसको करते हैं ऑन। तो ये देखिए दोस्तों, ये ऑन हो गया। तो आप देख सकते हैं इजीली आराम से, ये देखिए ऑन इस तरह हुआ है, पूरा ऑन भी नहीं हुआ है, इस तरह की आवाज़ आ रही है। देखिए पूरा ऑन भी नहीं हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। इसको खोल के चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे। एक बार और चेक करते हैं बैटरी निकाल के। दोस्तों इस तरह की बैटरी डली हुई है, एक बार ऑन करके और देखते हैं दोस्तों आपके सामने कि ये क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए ऑन हो रहा है। कई बार ऑन हो जाता है, कई बार ऑन होता नहीं है दोस्तों। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती रहती है फ़ोन में, इसीलिए रिपेयरिंग के लिए आया है। तो इसमें खोल के देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो रिपेयरिंग करेंगे आपके सामने। तो दोस्तों देखते रहिए और कमेंट शेयर ज़रूर करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें दोस्तों वीडियो को। तो ये इस तरह आ रहा है, ऑन नहीं हो रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप अपने सामने। तो एक बार और खोल के देखते हैं अगर होता है तो। ये देखिए दोस्तों, इस तरह का ऑन होता है, कभी कभी होता नहीं है, कभी बीच में रह जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, ऑन हो चुका है, ऑन हो चुका है, लेकिन इसको यूज़ में लेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी दोस्तों। आप सामने देख सकते हैं आराम से। ये देखिए दोस्तों, अभी कोई भी चीज़ काम नहीं कर रहा है, बटन काम नहीं कर रहा है सब। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह का आवाज़ आता रहता है इसके अंदर। तो ये अभी कोई भी बटन काम नहीं करेगा, स्विच वगैरह मैंने ऑन ऑफ का या 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी काम नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको ही देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। खोलते हैं दोस्तों इसको, पहले निकाल लेते हैं दोस्तों सिम। तो दोस्तों हमने सिम निकाल लिया है। तब हम इसको खोल के देखते हैं दोस्तों। तो आप देखते रहिए, लाइक व कमेंट शेयर ज़रूर करें दोस्तों अपने वीडियो को। कमेंट में बताते रहिए जानकारी कैसी लगी, लाइक व कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें वीडियो। अपने पास सही आया है मोबाइल रिपेयरिंग के लिए, तो देखते हैं इसको खोल के। चाइनीज ही है, अपना इंडिया का नहीं है, चाइना का ही है, लेकिन आजकल ज़्यादातर हो गए हैं टच वाले मोबाइल। लेकिन गांव के अंदर या पढ़े लिखे नहीं है उनके पास तो यही कीपैड ही फ़ोन है। भी रिपेयरिंग करके देखते हैं दोस्तों, इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर गर्दा व कचरा वगैरह भी आ सकता है, उसकी वजह से भी हो सकता है डस्ट वगैरह। तो देखते रहिए दोस्तों लास्ट तक, बने रहिए। तो हमने खोल लिया है, इस पेज खोल लिए हैं, अब इसको साइड में कर देते हैं, इसको खोल के देखते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने हमने खोल लिया है, बाहर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं इजीली। ये देखिए दोस्तों, ये LED लगा हुआ है, ये स्पीकर लगा हुआ है, तो वाइब्रेटर इसके अंदर नहीं है दोस्तों, आप देख सकते हैं इजीली। वाइब्रेटर का जगह दिया हुआ है लेकिन इसमें है नहीं,
चाइनीज मोबाइल है, किसी में होता है किसी में नहीं होता दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमने निकाल लिया है, तो इसमें तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है सामने एकदम बिल्कुल। तो हम खोल के देखते हैं, क्योंकि ये सारा निकालना पड़ेगा नहीं तो टूट जाएगा। तो इजीली आप देख सकते हैं दोस्तों, पीछे कैमरा भी लगा हुआ है दोस्तों, ये भी निकालना जरूरी है। आप देख सकते हैं इजीली एकदम आराम से। ये देखिए दोस्तों हमने निकाल लिया है, बॉडी खाली हो गया, तो इसको कर देते हैं साइड में दोस्तों। अब इसको देखते हैं दोस्तों, देखो दोस्तों ये पाती अपने आप ही उखड़ गया, नहीं उखड़ा है फिर भी। चाइनीज आता है, इतना कमजोर आता ही है दोस्तों। देख सकते हैं इजीली इसका क्या फॉल्ट है, वो भी देखेंगे दोस्तों। देखते रहिए दोस्तों, लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें दोस्तों। लाइक व कमेंट जरूर कर दो दोस्तों। हम पहले इसको क्लीन करके देखते हैं, तो दोस्तों इसके अंदर हम थोड़ा सा हीटिंग मार के देखेंगे, कई बार क्या होता है पॉइंट हिल जाता है,
तो हमें इसको उतारना पड़ेगा, इसका ये जो लगे हुए हैं। तो ये नंबर का स्ट्रिक उतार देते हैं दोस्तों, ताकि ये जले ना। आप देख सकते हैं इजीली दोस्तों, हीटिंग मशीन लगाने से क्या होता है, थोड़ा बहुत अगर कहीं पॉइंट अगर उखड़ा हुआ है वो सही हो जाएगा। तो आप देखते रहिए दोस्तों, आपके सामने करने वाले हैं।